तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार आप सबको। मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मौसम अच्छा है और कल का एक्चुअली शेड्यूल थोड़ा ये हो गया था, मेरी ड्यूटी थी ऑफिस में, तो कल मैं साइड पे जा नहीं पाया। बट काफ़ी इश्यूज़ भी हो गए थे, इवन जो डोर और विंडो फ्रेम हम लाने वाले थे तो उसको लेके काफ़ी इशू हो गए थे, क्योंकि वो काफ़ी डिले कर रहे थे। बट मैंने काफ़ी उनको फिर बोलना पड़ा काफ़ी कुछ कि नहीं, मुझे अर्जेंट चाहिए। तो उनके लिए फिर वो कहने लगे कि पेमेंट हमें दे दो, आप हम करवा देते हैं। फिर मैंने हिमांशु को भेजा और कल हिमांशु की बहुत भागदौड़ हुई है, तो हिमांशु को स्पेशली भेजना पड़ा मुझे डोर और विंडो फ्रेम के लिए। काफ़ी दूर है वो, तो विंडो फ्रेम के लिए हिमांशु गया और हिमांशु डोर और विंडो फ्रेम लेके आया, साइड पे रखवाया। तो कल पूरा दिन उसका भी ख़राब हुआ यार। तो मैं तो ऑफिस में बिज़ी था, तो मैं साइड पर कल जा ही नहीं पाया। इवन उसने फिर भी डोर विंडो फ्रेम ला के साइड पर रखवा दिए थे। तो अभी तक हिमांशु का फ़ोन नहीं आया, तो हिमांशु का अभी तक फ़ोन नहीं आया, तो मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है कि साइट पे कोई इशू तो नहीं है या मैन पावर कम तो नहीं आया। अगर हिमांशु का फ़ोन आया था तो थोड़ा रिलीफ मिल जाता है कि हाँ साइट पे काम शुरू हो गया। बट अभी हिमांशु का फ़ोन नहीं आया, तो मुझे टेंशन हो रही है कि साइट पर कुछ झोलझाल तो नहीं हुआ है। तो चलो अभी देखते हैं, साइट पर पहुँचते हैं। आप सोच रहे होंगे इतना अच्छा मौसम है, मैंने काला चश्मा पहना हुआ है, तो मे बी काला चश्मा जचता है, जचता है गोरे मुखड़े पे, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं अभी स्कूटी चलाता हूँ, तो काफ़ी धूल मिट्टी वगैरह आंखों में जाती है, तो उसके लिए ग्लासेस पहनना ज़रूरी है। तो चलो ठीक है गाइस, अभी साइड पे पहुँचते हैं। पहले हिमांशु को फ़ोन करता हूँ कि क्या इशूज़ हैं, कोई इशू तो हुआ नहीं है। तो पहले हिमांशु को फ़ोन कर लेते हैं, फिर जल्दी पहुँचते हैं साइड पर। अभी मैं काफ़ी दूर हूँ साइड से, तो चलो अभी पहुँचते हैं साइड पर और साइड पर पहुँच के देखेंगे आज पूरे दिन क्या क्या होता है साइड पर। सो गाइस अभी साइट के नज़दीक हैं। एक्चुअली पाइप की रिक्वायरमेंट थी एक्चुअली, जिससे हम पानी भर रहे थे, तो वो पाइप एक्चुअली रिलेटिव्स का था, बट काफ़ी इश्यूज़ हो रहे थे इसकी वजह से, क्योंकि उनकी पार्किंग बड़ी गंदी हो रही थी। डेली लेबर उसमें पाइप रख के चले जाते थे, उसके साथ काफ़ी मिट्टी उनकी पार्किंग में जमा हो जा रही थी। तो पाइप रखवा दिया, अपना पर्सनल पाइप ले लिया है, तो इवन ये अपने यूज़ में रहेगा। रात को उसको, शाम को यूज़ करके उसको साइड पे फेंक के जाया करेंगे। तो चलो अभी इसको साइड पे ले जाते हैं और देखते हैं। अभी स्कूटी बंद हो गई थी, दिक्कत हो गई थी। चलो ये पाइप ले लिया, और वो थोड़ी दिक्कत टंकी से पानी निकाल रहे हैं मोटर के थ्रू, उस पाइप में भी आ रही है, तो उसके लिए भी नया पाइप ले लिया। तो चलो अभी साइड पर पहुँचते, काफ़ी डिले हो गया, 12 बज गए हैं। डस्ट का इशू हो गया था, डस्ट पहुँची नहीं थी, जबकि सुबह बोल दिया था, बट अभी तक आई नहीं थी, तो अभी फिर इंसिस्ट किया, तो आई थिंक अब आने वाली है। तो चलो ये पाइप लेके जल्दी साइड पे पहुंचते हैं। मौसम काफ़ी ख़राब लग रहा है, स्कूटी का भी इशू लग रहा है, कहीं ख़राब ना हो जाए यार। चलो जल्दी पहुंचते हैं साइड पे। अरे पाइप निकालना है, अरे पाइप निकालो, खोलो, निकालो, खींचो। ये साइड पे रखने, खींचने वाला पंप है, खींचो पंप लगा देना उसको। खींचो खींचो, इस तरफ गिरा लो। हाँ यही मिला यार, ये गया यार। हाँ 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 20 मीटर है। यही पड़ा था उसके पास, नया ही था, बंडल था पूरा। ना ना 20 मीटर है, कटवा के। डाल गया बदर को हालत खराब करवा दी आपने। कितना बदल बोल लिया, डलवा देना। 2-3 तसला लीटर कितना है? वो नहीं भी और डाल देना, कोई नहीं। अरे ये बोलने मेरे को पता नहीं था ना क्या ये बदल बोल। सुबह 9:30 बजे बोला था, पता नहीं क्या रहा, ट्रैक्टर पंचर हो गया ये वो। कौन कर रही थी? नहीं अभी अजय वाला ने ये बदल उठा लिया सर। अरे यहां करवाना था ना। अरे भाई यार अजय जी, उनको जल्दी लग भी जाएगा। आप दे देना 2-3 तसला बदल को दे देना। अरे घर जाके मत कराओ, घर के बाहर बुला देगा, बुला देगा। भी दो देख से उठा के धो देंगे। यहाँ साइड में कर लेते ना, इजाजत इतनी जगह थी तो सही। फिटी है वहीं पे कर देंगे, मैं इसलिए करके साथ कर दूंगा। चौखट पे दक्षिणा बनती है। दक्षिणा किसको? मेरे को आलिया भिंड के बदरपुर देखते हैं अभी, देखना आप लड्डू है। अरे नहीं बदरपुर को देखते हैं, देखते लग जाएगा। ये बदरपुर इनका ही मिलवा दिया क्या? पता नहीं था, बड़ी साहब बताया नहीं आपने, बदरपुर इनका मिलवा लिया। मैं तो बाहर से आया जब देखा मैंने, मेरे पता नहीं था ना। उनमें से थोड़ी यहाँ गिरवा देना फिर। कोई बात नहीं, वो चलता है। ये अभी लंच टाइम में वो तो नहीं करूँगा मैं, अभी डाल के फटाफट धुलाई देंगे इसकी। अभी एकदम बना के डाल दे, बनाए डाल के धुलाई कर देंगे, आपका पूरा साफ कर देंगे। आप बता देना इन्हें पड़ोसी भी लगाए क्या? वही बोले दोनों कंटाट। अरे भाई हो जाए मेरी तो लाइन हो जाए मैं अंदर जाता हूं। अरे यार कल मैंने बोला अंदर बता। अरे नहीं कल क्या हुआ मैंने इनको बोला, मैंने कहा यार एक बार पाइप लगा दो 2 मिनट के लिए, वो कह रहा उसके पास जाओ, उसके पास क्या करा बोला उसके पास जाओ। मैं दिमाग खराब कर रहा है, वैसा है सारी पार्किंग की मावे नहीं कर रही है, मैं कहा अंदर घुसना कोई मतलब। अरे नहीं यार पाइप से ज्यादा हो रहा था, पाइप से ज्यादा हो रहा था। ये हिमांशु शाम को मोटर भी ना ये वाला पाइप भी यहीं फेंको, मैं मोटर रख दो कोने में उसके लिए कुछ रख दूंगा मैं कट्टा उट्टा। चलती चाल में एकदम कोई बंदा जाता है ना काम में, बैठे हुए थे सारे जरूर। मैंने बोला मैंने कि तुम्हें जाना था, वो कह रहे वो लेडीज आपस में हंस गई तो भैया को ऐसा लगा मेरे ऊपर कुछ बात कर रहे हैं। नहीं मैंने कहा आपस में कुछ नहीं हंसी, पता नहीं मुझे क्या हुआ बट दिमाग खराब हो गया मेरा। मैं कहा यार पार्किंग की तुमने घुस घुस के ऐसी तैसी कर रखी है, तुमसे कुछ 2 मिनट के लिए कह रहा तुम कुछ। मैं भाई साहब फिर उनको फुल गालियां ताला लगा दिया, ताला लगा दिया मैंने फुल गालियां सुनाते हुए। कह रहे पानी ला दो पीने का, मैं ले आओ, कह रहा नहीं हम नहीं जाएंगे। कह रहा रात में थोड़ा गर्म हो गए थे। पीने के लिए भी उनको बोलो मटकी भी भरे 5 लीटर का, वो भी भरे ना भरे। तो आपका यार थोड़ा बदरपुर ले लिया है, उसमें से डलवा लेना कम पड़ेगा। तो और अजय ने 100 रुपये घर के डलवा दिया होगा ना। मैं 25 फुट उसमें और एक्स्ट्रा मंगवाऊंगा क्योंकि ना जीने में चाहिए रहेगा। वो ये लाल वाला भेज देता है मांडी वाला, लाल वाला मत मंगवाओ। हाँ तो ये 3 टाइप के हैं, एक तो ये है फिर एक वो है, एक पीछे डला हुआ है उससे थोड़ा लाइट है, तो उसमें 25 फुट एक्स्ट्रा कर देना, उसके मैं पैसे दे दूंगा। अच्छा ठीक है, 25 फुट एक्स्ट्रा क्या सौ जाएगा ट्रॉली में? तो नहीं वो रेडी में है, तो बल्कि उठा ली जब करेगा तब उठा लियो। हां उठा लो, 100 मंगाते रहोगे ना 100 क्या 90 फीट ही आता है इसकी गाड़ी, 90 फीट की। जब तेरे को चाहिए तब उठा लियो, बता दियो कोई नहीं ले लेगा ये, जितना जरूरत उतना लेने का। अभी गिरवाई लेना क्योंकि अभी इसमें अभी चिनाई होने वाली है ना, अगर आपका जल्दी काम हो रहा है तो गिरवा लेना। अभी 4-5 दिन लगेंगे। ऑलमोस्ट उनका भी पता नहीं पार्टीशन भी 1-2 दिन में खड़ा कर देंगे। मैंने जूते यहाँ उतारे स्लोप से भी नीचे, हाँ। और जुराब में जब जुराब एक बार ऐसे झाड़ी, हाँ। और जब गया मैं, अरे एक बूंद भी बाहर नहीं टपकने दी। आप बताना सारी चीजें साइड पे तो मिलती है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही है। फिर आपको कह रहे भैया ऐसे, अरे ऐसे ही नहीं है, मुंह में डाल। अरे भाई साहब ज्यादा बड़ा बाइट दे दिया, छोटा करो, मेरा मुंह छोटा है। तो मैंने ज्यादा फैसिलिटी यूज किया और कहीं अरे खुद करो ये नहीं होता, घर से लाओ पानी। तो मकान में नहीं पकड़ तक में आ जाती है, अभी इसमें भी पेंट होगा, 10 चीज होगी, क्या करोगे बताओ। नहीं इससे भी लड्डू लाएंगे ना, यही पकड़ा देना शगुन के शगुन सबको मारेंगे तो नहीं फावड़ा कस्सी से तेरी। ये प्लॉट अच्छा है ना। सो गाइज अब ये डोर विंडो फ्रेम्स आ चुके हैं, कल बड़ी मशक्क़त के बाद ये सब पहुंचा है साइट पे। तो इवन ठीक है, अच्छे हैं देखने में और ग्रिल्स वगैरह अच्छी लगा के भेजी है उन्होंने। तो चलो आज इनको लगाना शुरू करते हैं। एक्चुअली मौसम बहुत ख़राब है आज, तो ऑलरेडी लंच टाइम हो गया है और मेरे को भी काफ़ी टाइम लग गया हो पाइप को लाने में। मैंने बताया स्कूटी ख़राब हो रही थी, तो जैसे तैसे मैं पाइप लेके पहुंच गया क्योंकि बड़ा हैवी था और नीचे लटक रहा था। तो जैसे तैसे मैं आ गया और ये चौखट और ग्रिल्स जो हमारी हैं डोर विंडो फ्रेम्स वो आ गए इस साइड पे। तो अभी लंच के बाद इसे लगवाना शुरू करते हैं, देखते हैं एटलीस्ट कितनी चौखटें कितनी विंडो आज जाम हो सकती हैं। तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, नहीं तो फिर कल करना पड़ेगा। आज मौसम भी थोड़ा ख़राब लग रहा है। तो इवन आज प्लम्बर आए हुए हैं, तो प्लम्बर अपने काम में लगे हुए हैं, जो ड्रेन पाइप है उसको कंक्रीट से जाम करने में। तो चलो देखते हैं आज ये सब होना है साइड पे, और ये हमने प्लॉट पे रखवा दिए थे अंदर। तो चलो देखते हैं आज कितना काम हो पाता है साइड पे। पानी डालने लगे बाबू, इधर पानी लो, पानी पानी भर। हाँ मटर चला ले, मटर ले, पाइप पाइप लगा, छोड़ हल्की सी। हाँ प्रेशर में आ रहा है, एक लाइन में चल रहा है, बढ़िया। और कहाँ दो इधर ना पीछे से कोई आवाज आ रही है में भी डल जाएगा, उसमें भी डल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत दोनों तरफ से लगेंगे उसमें, देख लो सब जुगाड़। छुट्टी करो, बात खत्म करो। अरे तो छुट्टी की तरह कोई धुनी पड़ी भाई ठंड चल भाई वो जौन जौन गए बताए ठंडा पता लागी पैसा नहीं तो पैसा कटिए ना तो पता लागी समझाओ तो लिया यही सूखने के लिए छोड़ दो, मोटर बाहर है। फीता कहाँ मेरा है? ये कॉलम के साथ चिपकाओगे कैसे, बॉन्डिंग कैसे रहेगी? अगर मान लो 4 इंची का लगाते भी तो कोई फायदा नहीं, ये सबके जाएगा। पानी वानी आया कहीं इधर से गैपिंग रहेगी इधर, ये दिक्कत होती है ना। वैसे तो आप मसाला डालोगे और ये कॉलम से चिपकना भी चाहिए ना, तो पकड़ दे कॉलम से। ये दीवार के बाहर ना लगी, एक अंदर से लगी, बीच से लगी, बीचों बीच 9 इंच ना लगे भाई। ये टाई बीम है ना, ये थोड़ा और उधर निकलेगा, ये हिस्सा ये आएगा इस पे। खिड़की दरवाजा दोनों फिर नहीं, वो अभी इसको आने दो यार, फिर लगाना है। क्या फालतू हो गया था, इकान तो क्यों फालतू हो गया था? बस खोल के लगा दे, जहाँ लगाओ उसको। हाँ सो चलो गाइस, आज का सिचुएशन एक्चुअली ऐसी बनी थी, प्लम्बर आ गए थे साइड पे और काफ़ी दिन से जो ड्रेन पाइप उन्होंने खुला छोड़ा हुआ था, फाइनली आज वो जाके वो जाम करके चले गए हैं। तो कंक्रीट से वो उसको जाम कर गए हैं, कवर कर गए हैं और मे भी अब उनका काम जब स्लैब कास्टिंग होगी तब का है, तो तब लाएंगे। काफ़ी डिले हो रहा था इस चक्कर में। तो मैंने एक इशू जो था अभी मौसम की वजह से था कि मतलब मौसम बन गया था एकदम तेज़ बारिश का, तो इवन जो हिमांशु है उन्होंने कहा कि हाफ डे के बाद काम नहीं करवाते हैं, अगर बारिश होगी तो उनकी जो भी लेबर की दिहाड़ी है वो देनी पड़ जाएगी, काम कुछ होगा नहीं। तो उन्होंने काम रुकवा दिया था, बट मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं है, इतना मतलब लग नहीं रहा था कि यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश होगी, और हुआ भी ऐसे। मेरा अंदाज़ा सही था, मैंने हिमांशु को फोर्स किया कि नहीं काम मतलब को आओ, कोई इशू नहीं है। अगर वो अड़े हुए थे कि नहीं भैया हमें नुकसान हो जाएगा, अगर लंच के बाद कुछ काम नहीं हुआ तो हमें दिहाड़ी पूरे दिन की देनी पड़ेगी, बट मैंने इंसिस्ट किया। फिर बहुत देर तक आर्गूमेंट हुआ, आधा घंटा ख़राब हुआ उसमें। तो फिर फाइनली मैंने ये बोल के कन्विंस किया कि अगर नुकसान हुआ तो मैं भरपाई करूँगा, बट मेरे को लग रहा है ऐसा कि उतना कोई बारिश इतनी तेज़ होने वाली नहीं है यहाँ पर, और हुआ भी ऐसी। अब 4 बज रहे हैं और जो डोर और विंडो फ्रेम्स हैं वो लगने शुरू हो गए हैं। तो पीछे बैक साइड से शुरू कर रहे हैं, किचन और जो पीछे का बेडरूम है वहाँ से। तो वहाँ से आज आई थिंक 2 चौखट और 2 खिड़कियाँ लग जानी चाहिए। तो चलो गाइस, अभी ये काम हो रहा है। अभी 4 बज गए, मैंने लंच भी नहीं किया है, तो मैं लंच करता हूँ, उसके बाद आके देखेंगे साइड पे शाम 6 बजे तक कितना काम खींच पाता है। बाकी तो कुछ स्पेशल नहीं है, बट ये है कि काम डिले हो रहा था, तो मेरे को बड़ी टेंशन हो गई थी कि हाफ डे में काम बंद हो रहा है, बट ऐसा हुआ नहीं। मैंने मना कर दिया कि नहीं आप काम मत रोको, करवाओ। तो चलो गाइस, भूख लगी है, अभी लंच करते हैं पहले। सो चलो गाइस अभी लंच हो गया है। लंच के बाद अभी चौकटो का काम इवन चल रहा है। तो इवन सही डिसीजन था मेरा। हिमांशु ने तो काम मतलब बंद ही करा दिया था, वर्करों को एटलीस्ट भेज दिया था वापस, बट नहीं, मैंने कहा नहीं इवन ऐसे नहीं होता है। मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा है कि तेज़ बारिश आएगी यहाँ पे। इवन मेरा डिसीजन भी सही निकला और हल्की हल्की धूप भी आ गई अब। तो इवन काम हो रहा है, चौखट और विंडो फ्रेम्स लगाए जा रहे हैं स्टार्टिंग में। बट कह रहे हैं एक ट्रेडिशन है कि जब चौखट लगती है तो उसमें तोता बांधा जाता है, पूजा किया जाता है, इवन सिस्टर होती है तो वो दिया जलाती है। तो इवन वर्कर भी डिमांड कर रहे हैं कि आज तो मे भी शगुन बनता है। तो चलो अभी उनके लिए मिठाई लेने जा रहे हैं और शगुन दे देंगे उनको। और एक तोता भी लेना है, उसको बांधने के लिए सिस्टर यहीं है, तो सिस्टर दिया जला देगी, तोता बांध देगी चौखट में। तो चलो ये ट्रेडिशन है, फॉलो करना चाहिए, तो सब बोल भी रहे हैं। तो अभी मार्केट जाते हैं, वर्कर के लिए स्वीट्स लेके आते हैं और शगुन तो देना ही है उनको। तो चलो गाइस अभी मार्केट जाते हैं और सामान लेके आते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं 6 बजे तक कितना काम खिंचता है आज पूरे दिन में। एक किलो तो एक डब्बे में आधा किलो ऐसे किया ना। और तो चलो गाइस अभी इवन सामान ले लिया है, इवन स्वीट्स वगैरह। तो पूजा वूजा भी करनी थी, तो दिया और घी और अगरबत्ती ये भी ध्यान में आया कि लेनी है, तो वो भी ले लिए हैं, मिठाई भी ले ली है। और चलो अभी पूजा करेंगे जब ये लोग अभी सब वर्कर को मिठाई देने के बाद और उनको दक्षिणा जो भी शगुन है वो देने के बाद दिया जलाएंगी, सिस्टर जलाएंगी। तो चलो सामान में ले आया हूँ। बाकी हिमांशु का बेटा है, हिमांशु तोता लेके आ रहा है, यहाँ तोता मिला नहीं है। ये लो, ये आ भी गए तोते नहीं उड़ा दिए, है ही नहीं तोता। ओ नहीं मिला, सही में नहीं मिला, नहीं मिला। वो मांडी में 2 दुकान 66 तसले ना, आप लोग तसले है ना, उड़ी अपना क्या लंबर कर गया अपना काम। नीचे पीसीसी होती है, पहले नीचे एक्चुअली पत्थर था ना, वो कह रहा था पीसीसी की कहाँ जाएगा, नीचे धसेगा तो है नहीं, कोई पत्थर है, समतल तो नहीं हुआ, उससे क्या लेना है ना। काम सीखा है कोई, वैसे ही नहीं पत्थर नहीं होता तब तो करना पड़ता है, चिनाई भी होती है साइडों में। हाँ ये रख के भर देते हैं, ईंटें लगाई तो है इसने, चिनाई नहीं, साइड में चिनाई होती है। हाँ उन्हें रोड ही गलती है। कोई नहीं, मैं भी टेंशन में आ गया, मैंने कहा हाँ यार पत्ती सी तो होती है। माफ करो, क्या हिसाब किताब है, मेरा हिसाब किताब ठीक है ना, कम लिखना मेरा सब में तो ज़्यादा लेकिन ये ऊपर जा रहा है ना, बराबर है। हाँ बराबर है, कहाँ क्या ऊपर क्या जा रहा है। अच्छा अब आया बराबर, हम बता रहे बराबर है, बल्कि हल्का सा ये खिड़की नीचे है, वो भी नहीं होनी चाहिए ना, वो तो उठ जाएगी ना। मुझे किस लिए रखा हुआ आपने, तनख्वाह देते नहीं हो, काम पूरा कर रहा। तो चलो गाइस अभी काम हो गया ख़त्म और चौखट भी लग गई है। तो चलो सबका मुंह मीठा कराते हैं। ये लोग नहीं लिखना था, मैं काट दो फिर ना आप तो मत दूंगा। अरे नहीं वो 500 थे ना मैंने, अरे वो ठेकेदार साहब काम से पहले ठान नोट नहीं गिन रहा, वो गुलाब मतलब सिस्टर को बुला के तोता बनवाते हैं। ये देखो भाई साहब, नहीं बैठो, चेक कर रहे थे क्या, कितने कर रहे हो, कितनों की छुट्टी कर रहे हो, हैं मिस्त्री भी घटा देंगे, कितने मिस्त्री लगाओ, 2 बहुत है, 2 चलो कल देख लेंगे, मैं फोन पे बात कर लूंगी प्रॉफिट। अभी आप अगर निकालना चाहो तो है ना, फिर आप भी कहते हैं अरे सही कह रहा, चलो हो गया अच्छी लगा ना। मैं अभी मन नहीं कर रहा, मौसम अच्छा है, हुक्का पियो भाड़ में जाए। चलो कोई नहीं, ठीक। तो चलो गाइस अभी वर्कर जा चुके हैं और इवन आज ये डोर फ्रेम लग चुके हैं, एक विंडो फ्रेम भी लगा है। बैक साइड से शुरुआत कर रहे हैं ताकि अगर आगे के पोर्शन से शुरुआत करते तो फिर जो रास्ता है अंदर बाहर जाने का वो थोड़ा कंजेस्टेड रहता है, तो दिक्कत होती काम करने में। सो चलो अभी पीछे के डोर और विंडो फ्रेम लग गए हैं, तो इवन थोड़ा पूजन करना था वो करते हैं। चलो अभी पार्टी भी आ गई है। सामान नहीं लेके आए, इंस्पेक्शन है, है? कल तो कल सुबह ये कवर कर दिया है। इधर क्या है? हाँ ये बड़ी वाली ये रही ना, ये रखी है पीछे, ये वाली खिड़की 6 फुट की बनाई है। ड्राइंग रूम नहीं, किचन की खिड़की है, ये किचन है, ये बेडरूम तो ये है। इधर अभी पार्टीशन वॉल होएगी ना। अच्छा। किचन तो बड़ा बना है, ये भी पार्टीशन वॉल आएगी यहाँ 4 इंच की। इस खंबे से कॉलम से 4 इंच की दीवार आएगी। इधर ये बेडरूम हो जाएगा, इधर ये किचन। किचन का मैंने बड़ा रखा है ना यार, ये क्यों 4 इंच? ये तो 4 इंच की रखवाते तो वो क्या था, सिंगल ईट में नहीं अच्छे से जाम नहीं हो पाएंगे। किसने बोला? ये वही है, मेरी बात उससे भी हुई, मना कर रहा था, कहता है देख लो हम तो कर देंगे, ये कल को चौकटे लेंगे फिर आपका नुकसान होगा। मैं फिर 9 इंच ही करूँ। दरवाजे की हाइट छोटी हो जाएगी। ये आपने कितनी हाइट ली है? 7 पूरी 7 ली है, छोटी हो जाएगी। वो मैंने छोटी नहीं, नीचे एक्चुअली वो कह रहा था हम ये प्लेंथ लेवल तक थे, थोड़ा ही ऊपर ये जो एंगल से आ रहे हैं ना नीचे, यहाँ तक PCC का लेवल होगा। ये तो खिड़कियां बहुत ऊपर ऊपर जाएंगी, वो उतना निकल जाएगा, उतना चलता है। आपका जब फर्स्ट लेवल आएगा ना वो आपका यहाँ तक आएगा। अभी टाइल भी तो लगेगी, वो तो ऐसे रोशन में लाइट पर्पस के लिए ऊपर बड़ी करवा दें, ये नीचे भी हो जाएगी तो अच्छे से जाम हो जाएंगी। और बाथरूम में भी पता क्या करना, जो दीवार क्या ले लेते, गहरा बनाई नहीं है तो हमारे जितना ही बना हुआ है, 4 फीट है योगेश, लग रहा है ये भी पहले ही नीचे ले लेते। सो चलो गाइस अभी शाम हो गई है, 7 बज गए हैं और अब पूजन होने वाला था बट तोते नहीं मिले तो आज चौखट पूजन हो नहीं पाया। तो इवन फिर रिलेटिव्स ने कहा कि ऐसी कोई जल्दी नहीं है, जब सारी चौखट लग जाए तो उसके बाद हो सकती है पूजा। तो इवन मेन डोर पे जो मेन एंट्रेंस होता है वहाँ पे तोता बांधते हैं, तो तोता मिला भी नहीं है, तो तोता हम लेके आएंगे, मेरे को अपने एरिया से लेना पड़ेगा, यहाँ मिला नहीं है। तो चलो वो काम बाद में कर लेंगे, भाग दौड़ तो यही सामान लाने में। बट स्वीट्स थी वो लेबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, उनको दे दिया था, शगुन भी दे दिया था। तो चलो खुश थे। चौखट अभी लग गई यहाँ से, तो आज इतना काम हुआ और प्लम्बर भी अपना काम कर गए हैं। कल बाकी की मेरे को उम्मीद है कि जितनी बाकी की चौखट और विंडो बची हुई हैं वो आई थिंक लग जाएंगी। तो चलो सुबह आएंगे, होपफुली अच्छा हुआ आज बारिश नहीं हुई, तो मौसम खैर काफ़ी सुहाना है आज। तो चलो इसी के साथ गाइस अभी मैं भी निकलता हूँ घर के लिए, मौसम ख़राब है तो इसलिए टाइम से घर पहुँचना ज़रूरी है। लेट हो गया, काफ़ी डिले हो गया पहुँचने में, तो 6 बजे निकल जाना चाहिए था। तो चलो गाइस अभी आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलूँगा मैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ और एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, शुभरात्रि।